जी मीडिया की इस खास पेशकश में आप सबका अभिनंदन है, वंदन है। इस शो में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के, हमारे इस शो के कथानायक ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने जमाने की हवा के खिलाफ जाकर अपनी कामयाबी के चिराग रोशन किए। उनके इस चिराग की रोशनी से हजारों घर रोशन हो गए। हमारे आज के कथानायक सरकारी बैंक में कैशियर की नौकरी करते थे। सब कुछ महफूज था, लाइफ बड़ी सिक्योर थी, अच्छे से चल रही थी। उस सुरक्षित नौकरी को छोड़कर एक उद्यमी बनने का जोखिम उठाया और आज वो 40,000 परिवारों के विशाल समूह के जीवन को सुखमय बना रहे हैं। मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जयपुर रग्स के CMD श्री नंद किशोर चौधरी साहब से। स्वागत है चौधरी साहब का। चौधरी साहब, आपके जीवन के बारे में आपसे सुने, हमारी क्रिएटिव टीम ने आपको आधार बनाकर एक AV तैयार की है। अच्छा जी। आइए देखते हैं आप पर आधारित एक। साल 1978, पिता से 5,000 रुपए का कर्ज लेकर श्री नंद किशोर चौधरी ने सरकारी बैंक के कैशियर की अपनी स्थायी नौकरी छोड़ी और जयपुर कार्पेट्स के नाम से अपने कार्पेट के बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआत में आप राजस्थान छोड़कर व्यवसाय के सिलसिले में गुजरात चले गए। पहले 3 साल आपका यह सफर कई चुनौतियों से भरा रहा। व्यापार के साथ साथ आपको समाज की भी चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन आपने अपनी मेहनत और दूरदृष्टि से इन सभी चुनौतियों को पार किया और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। आप 1999 में वापस जयपुर आए और कंपनी का नाम बदलकर जयपुर रग्स रख दिया। 2 लूम्स, 9 बुनकर और 5,000 रुपए की पूंजी से शुरू की गई इस कंपनी का सालाना टर्नओवर आज 150 करोड़ रुपए है। कंपनी का मुख्यालय जयपुर में है। देश के 6 राज्यों में कंपनी की 20 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। देश भर के 600 गांव के करीब 40,000 बुनकर इस कंपनी से जुड़े हैं। जयपुर रग्स करीब 40 देशों में हाथ से बनाए कार्पेट और रग्स निर्यात करती है। कंपनी के बिजनेस मॉड्यूल को हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और मिशिगन यूनिवर्सिटी में थीसिस का विषय बनाया गया है। श्री नंद किशोर चौधरी को भारत के राष्ट्रपति ने साल 2012 में सोशल इंपैक्ट अवार्ड से सम्मानित भी किया है। जयपुर रग्स को अंतर नाम के उसके बेहतरीन डिजाइन के लिए साल 2016 में जर्मन डिजाइन अवार्ड मिला है। तो ये थी कहानी हमारे आज के कथानायक श्री नंद किशोर चौधरी जी की। अगर आप अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे, तो ना जाने कितने लोग आपकी जिंदगी से प्रेरणा लेकर, मोटिवेट होकर शायद अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश में जुट जाएं। जी, तो कहां से शुरू किया आपने? देखिए, मैंने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया और मैंने देखा है कि मैं जो करना चाहता हूँ और जिस काम में मेरे को आनंद आएगा और जो मेरा पैशन है, वो इस नौकरी से मैं अचीव कर नहीं पाऊँगा। इंडिया में कारपेट बनाने वाले वीवर बहुत कम थे और कारपेट की मांग बहुत थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इसी धंधे की शुरुआत करूँ। मुझे गाँव में जाने का मौका मिलेगा, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और ये मेरे पैशन के बहुत नज़दीक है जी। तो फिर मैंने इस धंधे की शुरुआत और अपने 2 लूम अपने घर पे लगा के की। कारपेट का ही आइडिया क्यों आया? देखिए, क्या है कि कारपेट का आइडिया इसलिए आया कि उसमें जो काम करने वाले लोग थे उनको ज़्यादा समाज में कोई स्थान नहीं देते थे। इन लोगों के साथ में मिलके कुछ कर पाऊँ तो शायद मेरा जीवन भी सफल हो और इन लोगों का जीवन भी सफल हो। कैसे कारीगरों को कैसे जुआ? क्या ये कारीगर राजस्थान में भी थे जहाँ आपका बेस है? जब मैंने शुरू किया, जयपुर में ये कारपेट का काम होता था,
लेकिन मैं जयपुर से 200 किलोमीटर दूर चूरू में रहता था जी। तो वहाँ सरकार का एक ट्रेनिंग सेंटर चलता था। अच्छा। तो मैं इस ट्रेनिंग सेंटर में गया जी। तो फिर मैंने सोचा कि ऑलरेडी यहाँ पर थोड़े ट्रेंड कारीगर मेरे को मिल जाएंगे जी। तो वहाँ से मैंने 9 वीवरों को चुना जी और घर पे अपने 2 लूम लगाकर और इस धंधे की शुरुआत की। तो वीवर तो मिल गए, लेकिन डिजाइनिंग का कोई व्यक्ति पकड़ना पड़ा ना आपको? हाँ जी, शुरू में क्या है, 8 साल तक जब मैंने इस धंधे को शुरू किया, मैंने जोबर किया जी। एक एक्सपोर्टर मेरे को कच्चा माल देते थे और मैं उनको कारपेट बना के देता था जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मेरा पहला कारपेट जब बनाया मैंने, तो मेरे को इतना ज़्यादा उसमें मज़ा आया जी कि मैं पूरा दिन उन वीवरों के साथ ही बैठ के मैं खाना खाता था, वीवरों के साथ ही टाइम स्पेंड करता था। जब उस कारपेट को लेकर मैं एक्सपोर्टर के पास जयपुर आया जी, तो एक्सपोर्टर ने अपने सारे लोगों को बुलाया और उस कारपेट को खोल के दिखाया कि तुम लोग 20-25 साल से कारपेट बना रहे हो और ये लड़का अभी ताज़ा बीकॉम करके निकला है और इस कारपेट की क्वालिटी देखिए, तुम लोग ऐसी क्वालिटी कभी नहीं बना पाए। वाह, तो मेरे को बड़ी संतुष्टि हुई। वाह वाह चौधरी साहब। तो इनिशियली जब आपने सोचा तो फंड्स कैसे मैनेज किया आपने? मैंने देखा पिताजी से कुछ पैसा लिया था। मैंने अपने 5,000 रुपए अपने पिताजी से लिए जी, लोन लिया जी, 2 लोन खरीदी और एक पुरानी साइकिल खरीदी, जैसे मैं वीवरों के घर पे ट्रेवल कर सकूं। सो कैसे फंड्स मैनेज किया? 5,000 रुपए पिताजी ने तो दे दिए, 5,000 रुपए काफी हो गए कि फंड्स की और जरूरत पड़ गई? नहीं, क्या है कि जब से मैंने धंधा शुरू किया, हर साल लूमें बढ़ती चली गई, लेकिन मैं मेहनत इतनी करता था, काम में इतना मजा आता था कि मैं हर महीने जितना भी कमाता था उसे और ज़्यादा लूमें खरीदता रहता था और लोगों को पेमेंट करने के लिए भी मेरे पास सफिशेंट रकम रहती थी। अच्छा। तो मैं जो कमाता था वो उसी में इन्वेस्ट करता था। तो कैसे आपने क्या किया, प्रॉफिट अच्छा होने लगा आपको? हाँ जी, मैं मतलब उस वक्त बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लगा था जी। शायद मैंने 4-5 महीने बाद ही ना 25,000-30,000 रुपये महीना कमाना शुरू कर दिया था। सो अच्छा होने लगा बिल्कुल। और आपने फिर, आपको फंड्स की जरूरत कहीं से नहीं पड़ी आपको? हाँ, जब तक मैंने जॉबर किया उसके बाद में फंड्स की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैंने अपना एक्सपोर्ट शुरू किया तब मुझे बहुत ज़्यादा फंड्स की जरूरत पड़ी। एक चौधरी साहब एक बात पूछना चाहूँगा कि बेसिकली अभी भी ये मैनुअल है, ये सारा हाथ से बनाया जाने वाला क्राफ्ट है ये? हाँ जी, हाँ जी, मशीन मेड कारपेट भी ना काफ़ी आ गए हैं, लेकिन हम लोग इसी में मतलब सक्सेसफुल आज से बनने वाले में रहना चाहते हैं। और अभी हमने एक नई इनिशिएटिव शुरू की है कि हमारे जो वीवर हैं वो अपनी खुद की डिज़ाइन बनाते हैं और उनकी बनाई हुई एक डिज़ाइन को पिछले साल जर्मन अवार्ड मिला। वाह 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 चौधरी साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा। आगे जयपुर रग्स का विजन भी मुझे आपकी बात में दिख गया है। अभी मैं एक ब्रेक लेता हूँ। हाँ जी। और ब्रेक के बाद हम चौधरी साहब के जीवन से, व्यवसाय से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय कराएंगे जिनका सहयोग इनके जीवन में बहुत उल्लेखनीय रहा। तो मुझे मिलकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले ही दिन किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं इसको एक गुरुकुल बनाना चाहता हूं। किसको? जयपुर रक्स को। एक बार फिर स्वागत है आप सबका जी मीडिया की इस खास पेशकश प्रस्तुति में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था कि श्री नंद किशोर चौधरी के बिजनेस एसोसिएट को मैं आमंत्रित करूंगा। तो हमारे आज के मेहमान हैं श्री संजय सिंह। आइए संजय सिंह, स्वागत है आपका। स्वागत। कब मिलना हुआ चौधरी साहब के साथ आपका? सर, करीब आज से 15 वर्ष पूर्व जयपुर में ही हमारी मुलाकात हुई थी जी। तो मुझे मिलकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले ही दिन किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं इसको एक गुरुकुल बनाना चाहता हूँ। किसको? जयपुर रक्स को। गुरुकुल बनाना चाहता हूँ, जहाँ हर व्यक्ति एक लर्नर हो और जहाँ हर व्यक्ति ये सोचे कि हम समाज को कैसे दे सकते हैं। तो ये बातें सुन के, मैं दर्शन शास्त्र का छात्र था जी, तो मुझे लगा कि अंदर तक पेनिट्रेशन हुआ और 1.25 घंटा करीब आपके साथ बिताया, तो शायद मुझे ये लगा कि मुझे वो व्यक्ति मिल गया जिसके साथ मुझे जीवन में चलना है। दर्शन, विजन, दूर दृष्टिकोण, नैतिकता, वो तो सब ठीक है, लेकिन बिजनेस से कैसे जुड़े आप, वो जरा आप एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, मेरा पैशन जो है
एक इंसान को समझना, जानना और उसको कैसे आगे बढ़ाएं जी, उसकी कैपेसिटी कैसे डेवलप करें, और बेसिक सबसे बड़ी चीज़ थी कि एक आदमी को ट्रेन कैसे करें, उसका माइंडसेट कैसे चेंज करें, उसकी कोचिंग करना, मेंटरिंग करना। तो एचआर डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, मैं हाँ तो ऐसा बोलिए ना, एचआर डिपार्टमेंट से जुड़े जयपुर रंग्स के जी। और दूसरा मेरा एक गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में आना जाना, गाँव में रहना, नेचर के करीब रहना, ये भी मेरी एक बहुत बड़ा पैशन था। तो जब जयपुर रक्स अभी तक क्या था, गुजरात और राजस्थान में था जी, तो मेरे आने के बाद क्या हुआ कि इसको जब बढ़ाने की शुरुआत हुई तो जगह जगह जाकर के नए लोगों को चुनना, सिलेक्ट करना, उनको ट्रेन करना और नए बिजनेस सेंटर्स क्रिएट करना। तो इस तरीके से सर मेरी जयपुर रक्स में शुरुआत हुई। और फिर हम जयपुर रक्स को लेकर करीब 11 स्टेट में गए। अच्छा, इंडिया के। और वहाँ पर हमने लोकल लोगों के साथ मिल के काम किया, लोकल टीमें बनाई। तो हमारा रोल बेसिकली हो गया कि जयपुर रक्स को और बड़े भारत में एक्सटेंड करना। इसको और एक्सपेंशन का इंटरनेशनल कोई प्लान है? करीब हम लोग 40 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं जी। और अभी हमने मतलब इंडिया में, बिहार में भी पिछले साल एक नया स्टेट शुरू किया है जी। और हम अभी, हमारा जो नेक्स्ट विजन है वो ये कि जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको हम लोग एंड कंज्यूमर से जोड़ रहे हैं। लोग तोड़ते हैं यहाँ, अच्छे लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। आपके हिसाब से सिंह साहब, चौधरी साहब की कामयाबी का आपके हिसाब से क्या मंत्र है? जो सबसे बड़ा ग्राउंड है जयपुर को आज बढ़ने का, वो एक ह्यूमन जो ग्राउंड होता है वो सबसे बड़ा है। क्योंकि ग्रास रूट के उन घरों के लोगों को जो कभी 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये में काम करते थे, उन लोगों की जिस तरीके से कैपेसिटी बिल्डअप करके और इन्होंने उनकी लीडरशिप डेवलप करके, और आज जयपुर रक्स के पिलर पे आप जाएंगे तो वो 300 लोग जो कभी वीवर थे, आज वो लोग 20,000 से 1.25 लाख रुपए महीने तक कमाते हैं। तो मेरे समझ से कि ये जो ह्यूमन ग्राउंड है, लीडरशिप डेवलपमेंट है ग्रास रूट के लेवल पे, वो सबसे बड़ा रोल रहा चौधरी साहब के आगे बढ़ने का। कमाल का आज का शो है, कमाल के हमारे कथानायक हैं। समय है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के एक एक्सपर्ट, जो अपनी राय देंगे, उनका क्या पर्सपेक्टिव है ऐसे हमारे कथानायक के मोडस ऑपरेंडी से। तो बिल्कुल अलग ही केस है, किसी से मांगा नहीं, दिया। और ध्यान रखिएगा, समाज को जो देता है वो ही अव्वल है। सिंह साहब, थैंक यू सो मच सिंह साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 40,000 लोग इनके साथ जुड़े हैं। मैंने कहा आपकी कहाँ फैक्ट्री है? तो हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है। ये इनकी दूरदृष्टि का मैं पहले दाद देना चाहता हूं। वेलकम बैक टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। आज की हमारे कथानायक श्री नंद किशोर चौधरी साहब, इनके ऊपर एपिसोड है। ब्रेक में जाने से पहले इनके बिजनेस एसोसिएट श्री संजय सिंह साहब से मुलाकात हुई। और अब एक्सपर्ट कमेंट के लिए मैं आमंत्रित करता हूं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के CMO CRO श्री संजय आठले साहब का। स्वागत है। नमस्कार। प्लीज नमस्कार। पधारिए, बिराजी है। ऐसा बोलते राजस्थान में, बिराजी। संजय जी, आपने कहानी सुनी, बहुत ऑब्जर्व किया होगा। आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं और वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड है। आपका विजन और ये विजन, इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें। अनु जी, सबसे ज़्यादा जो मुझे ताज्जुब हुआ सुन के, और मतलब काबिले तारीफ जो चीज़ मैं समझता हूँ, आज हम नए जमाने के बिजनेसेस की बात करते हैं जी, जहाँ हम कहते हैं उबर, ओला, हाँ जी, दे आर द लार्जेस्ट कार कंपनीज, टैक्सी कंपनीज, दे डोंट ओन अ सिंगल कार। वाह। और मैंने ये सिमिलैरिटी इनके कुछ स्टोरी में ढूंढी है जब इनसे मैं बात कर रहा था कि 40,000 लोग इनके साथ जुड़े हैं। मैंने कहा आपकी कहाँ फैक्ट्री है? तो हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है। ये इनकी दूरदृष्टि का मैं पहले दाद देना चाहता हूँ। कोई फैक्ट्री, खुद की कोई फैक्ट्री नहीं, गांव में काम करते हैं सब लोग, घरों में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने ये नोटिस किया। आई थिंक वी मस्ट क्लैप। वाह सर, वाह। मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि कोई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हर बिजनेस में होता है जी। अब धंधा आगे बढ़ाना है, टर्नओवर बढ़ाना है, तो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। इन्होंने उसमें भी इतनी अच्छी मास्टरी लेके आए हैं कि जो कमाया बिजनेस में ही लगाया, जैसे आपने इनसे पूछा, तो बैंक के पास गए नहीं, लोन लिया नहीं, और फिर भी इतना बड़ा कारोबार कर लिया। तो ये दूसरा एक बहुत काबिले तारीफ जो मैंने चीज़ नोट की। तीसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे वहाँ बताई थी
इनकी दोनों बेटियां यूएस में सेटल्ड हैं और वो बिजनेस संभालती हैं, बढ़ाती हैं, मार्केटिंग का काम वो करती हैं। तो सक्सेशन प्लानिंग किसी भी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने बखूबी पहचान के उसके ऊपर काम किया है। तो मैं दाद देना चाहता हूँ इस चीज़ की। ये जनरेशन है वो किस तरह से जो उपलब्ध है उसी को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करके बिजनेस आगे बढ़ा सकती है, अगर उस पर एलाबोरेट करेंगे तो बहुत। जैसे कि इन्होंने बोला 5,000 रुपये से शुरुआत जी। आज के ज़माने में आप किसी नौजवान को बोलिए कि आपके पास 5,000, चलिए इन्फ्लेशन का इफेक्ट दे देते हैं, 50,000 रुपये है, आप 50,000 लेके कोई बिजनेस शुरू करें, तो बहुत लोग बोलेंगे नहीं हो सकता जी। इन्होंने 5,000 में शुरुआत की, तो इनकी हिम्मत है, एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है कि मुझे खुद का कुछ काम करना है, बैंक की नौकरी नहीं करनी है। तो एक वो हुआ। दूसरा प्लान, विजन, एक बिजनेस प्लान, एक सक्सेशन प्लान। आपने इनको टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा, इनका विजन बड़ा क्लियर है, बिजनेस प्लान क्लियर नहीं। मैं हैंडमेड कारपेट्स का किंग बनना चाहता हूँ और वो बन गए। लेकिन मान लीजिए जो नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट जो जेन नेक्स्ट जिसे बोलते हैं, अगर अवेलेबल नहीं हो तो फिर सक्सेशन प्लानिंग कैसे करेंगे, कुछ और कोई जी। अब जैसे इनके तो लकीली इनके पास दो बेटियां हैं। उस केस में हम ये कहते हैं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, धंधे का दारोमदार उनके हाथ में सौंप दें और आप सिर्फ स्ट्रैटेजी और विजन का काम देखें। आपने देखा किस तरह से नंदकिशोर चौधरी जी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। आपने हमारे खास मेहमान से कारोबार में आने वाली सारी जो दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर करना है, कैसे आगे बढ़ना है वो सीखा। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के CMO श्री संजय आठले साहब से कि वो स्मृति चिन्ह भेंट करें आज की हमारी कथानायक। मुझे बहुत आनंद होता है आपको ये सौंपने में। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी। आशा है और विश्वास है आपको हमारे कथानायक श्री नंदकिशोर चौधरी के जीवन की कहानी से, जीवन गाथा से अवश्य प्रेरणा मिली होगी। ऐसे ही किसी और शख्सियत को लेकर हाजिर होऊंगा एक और कथानायक के प्रेरणादायक किस्से होंगे उस कार्यक्रम में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के लिए। फिर भेंट होगी। प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आप भी बन सकते हैं हमारे कथानायक। अपनी कहानी भेज दीजिए हमें स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर।